12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का कोविड टीकाकरण पूर्ण करने स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके तहत रविवार छुट्टी के दिन भी शिविर लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करने संपूर्ण टीकाकरण कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, परंतु बच्चों के पालकों द्वारा इस तरफ रुचि नहीं दिखाने की वजह से बच्चों के टीकाकरण में उन पालकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो अपने बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित करना चाहते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा छुट्टी के दिनों में भी शिविर लगाकर बच्चों का टीकाकरण पूर्ण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में वैशाली नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रविवार को शिविर लगाया गया, जिसमें 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना के टीके की दूसरी डोज लगाई गई। शिविर में अपना टीकाकरण पूर्ण कराने आए बच्चे अपने पालकों के साथ आए थे और पालक भी अपने बच्चों को सुरक्षित करने जागरूक नजर आ रहे थे। शिविर में बच्चों की उपस्थिति काफी कम दिखाई दे रही थी, इससे यह साफ जाहिर है कि कुछ बच्चों के पालक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल शासन से 12 से 14 साल के बच्चों को लगाने वाले टीके की एक सीसी में 20 खुराक होती है और उसे अगर दो या तीन खुराक के लिए खोल दिया जाए तो वह दवा हवा के संपर्क में आकर जल्द खराब हो जाती है, जिसकी वजह से कम 20 बच्चे एकत्रित होने पर ही इसके एक शीशी खोली जा रही है। शिविरों में बच्चों की कम उपस्थिति और आ रही दिक्कतों को स्वास्थ्य कर्मचारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम से साझा किया। अभी तक के तो 12-13 बच्चों का कर चुके हैं और अभी और आने वाले हैं 20 के बारे में, तो बाकी को हम लोग जो है ना कॉल करके बुलाए हैं, आ जाते हैं। सिर्फ 4 आवर्स का इसका टाइमिंग रहता है, तो उतने आवर्स से पहले ही हमारा डोज खत्म हो जाता है। बच्चों में कुछ जो पहला जो डोज लगा था उसमें देखा गया है कि कोर्बीवैक्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो क्या तीनों तरह के बच्चे आ रहे हैं? हाँ हाँ, हमारे पास तीन तरह के बच्चे आ रहे हैं। सभी के लिए उपलब्ध है दवाएं? मैडम क्या कारण है संडे को भी आप लोग मतलब क्या विशेष अभियान चलाना है बच्चों के लिए? क्या है संडे क्या है बच्चों की छुट्टी रहती है, गार्जियंस की छुट्टी रहती है ना, तो उसकी वजह से क्या है गार्जियंस भी लेके आ पाते हैं मेनली, और अदर डेज क्या वर्किंग डे रहता है तो आ भी नहीं पाते गार्जियन, इसकी वजह से मेनली संडे ज़्यादा ही ये रहता है कि संडे को ही लेके आते हैं गार्जियन, बच्चे भी संडे ज़्यादा ही। जिन पालकों के बच्चे 12 से 14 वर्ष के मध्य हैं उन्हें जागरूक होकर अपने बच्चों का टीकाकरण पूर्ण कराना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में बच्चे इस जानलेवा बीमारी कोरोना से सुरक्षित हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।